फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा स्वेटर डिजाइन। केवल ये जो है ये 16 रो की डिजाइन है फ्रेंड्स, और 6 के मल्टीपल बनेगा प्लस 5 फंदे आप एक्स्ट्रा लेंगे तो आपका डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। यहाँ पर हमने 17 फंदे लिए हुए हैं। इसे आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी और प्रोजेक्ट में, कैप, सॉक्स, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा बनकर आता है फ्रेंड्स, और इजीली केवल उल्टे सीधे में आप ये डिजाइन पैटर्न बना सकते हैं। तो चलिए डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड देखिए, हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी सिलाई को जो है हम फर्स्ट रो को ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन है और ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये केवल उल्टे सीधे में बनेगा। वैसे तो ये जो है 6 रो में डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जब फंदे चेंज होते हैं तो 6 रो और आपको बुनाई करना होता है, तो इसलिए आपको जो है पूरा आपको बुनाई करना है। ये टोटल 16 रो में डिजाइन का पैटर्न कंप्लीट होगा। देखिए फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया है, अब डिजाइन पैटर्न का ये सेकेंड रो है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ठीक, ऑप्शनली है धागा पीछे। 3 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, वन साइड का एड स्टिच है, ये उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये देखिए डिजाइन पैटर्न का सेकेंड रो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट रो फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी सिलाई को हमें ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये रो थर्ड है, ऐसे आप सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड्स। रो थर्ड हमारा ये कंप्लीट हो गया है और रो फोर है, बैक साइड है। तो देखिए फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे, सेकेंड रो की तरह ही से बुनना है। 3 फंदा हमें सीधा बुनना है, 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, जो जैसा दिख रहा है आपको उसी को ऐसे बना लेना है। देखिए 3 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, वन साइड का एड स्टिच है, इसको उल्टा बुनेंगे। तो 4 रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए रो 5 है, अब ये रो 5 को आप ऐसे फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को आपको ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है। इस तरीके से आप पूरी रो को इस तरीके से सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा रो 5 कंप्लीट हो गया। अब ये रो 6 है, अब देखिए फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, धागा आगे, वन साइड का एड स्टिच है, इसे उल्टा बुनेंगे। तो फ्रेंड देखिए डिजाइन पैटर्न का जो है 6 रो ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 7th रो है, तो ये फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को हमें ऐसे सीधा बुन लेना। देखिए इस तरीके से हम 7th रो को हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए 8 रो है और बैक साइड है, फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी सिलाई को हमें ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेना है।
देखिए इस तरीके से हम इसे उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 8 रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब ये राइट साइड है, 9th रो है। देखिए 9th रो को भी आपको ऐसे फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को, सॉरी, इस तरीके से आप जो है 9th रो को ऐसे बुनते हुए सीधा कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। पूरी रो आपको ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है। नाइन्थ रो कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो है हमारा रो 10th है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा को पीछे ले जाएंगे, सॉरी। तो फ्रेंड फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। देखिए हमने 3 फंदा पहले यहाँ सीधा बुनते थे रॉन्ग साइड में, अब यहाँ 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा। 1, 2, 3, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा। 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा। 1, 2, 3, और 1 साइड का एड स्टिच है, इसको भी उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा 10th रो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ये 11th रो है राइट साइड। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करके और पूरी रो को हमें ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है। इस तरीके से हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, आप भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये 12th रो है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ये 3 फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए 1, 2, 3, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा। 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा। 1, 2, 3, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा। 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा। 1, 2, 3, 1 साइड का एड स्टिच है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए हमारा ये डिजाइन पैटर्न का जो है 12th रो कंप्लीट हो गया है। अब ये 13 रो है, फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हमें सीधा सीधा बुन लेना है। देखिए इस तरीके से हम सीधा बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आप कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए रो 14 है, फर्स्ट फंदा स्लिप करके, फिर देखिए 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा। 1, 2, 3, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा। 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा। 1, 2, 3, 1 साइड का एड स्टिच है, इसको भी उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा डिजाइन पैटर्न का ये 14 रो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए डिजाइन पैटर्न का ये 15 रो है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को ऐसे हमें सीधा सीधा बुन लेना है। देखिए इस तरीके से हमें सीधा बुनते हुए पूरी सिलाई को हमें कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से हम पूरी रो को ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये हमारा 16 रो है, फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये रो 16 है, इसको हम उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई को हमें कंप्लीट कर लेना है, आप भी कर लीजिए। तो फ्रेंड देखिए 1 से लेके 16 रो में देखिए ये डिजाइन पैटर्न ऐसे बन करके आया है। यही जब 1 से लेके 16 रो आप कंप्लीट करते जाएंगे तो पूरी डिजाइन देखिए इस तरीके से बनकर आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।